वेलकम टू वो कैब पोस्टमार्टम गाइस सबसे पहले नजर मारते हैं उन शब्दों पर जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं

दो वीडियो कैब के एक रूट वर्ड का और जो चौथा वीडियो होगा वो होगा या तो फ्रेजल वर्ब कवर कर रहे होंगे या इडीएम कवर कर रहे होंगे तो पूरा पैकेज कवर कर रहे होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो आपको एंड तक बने रहना है और गाइज अगर आपको इन, इन सीरीज का जो कैब इडीएम फ्रेजल वर्ब और रूट वर्ड की सीरीज का आपको पार्ट बनना है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग और अगर आपको आप वीडियो देखिए मेरे साथ बने रहिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एंड में लाइक करना ना भूलें प्लीज एंड चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज हमारा पहला वर्ड है इंपेकेबल अब गाइस यहाँ पर इस वर्ड में वर्ड है पैकेबल और इसे इम प्रीफिक्स लगाकर इसे पैकेबल वर्ड का एंटोनिम बना दिया गया है अब पैकेबल वर्ड का मतलब समझते हैं पहले पैकेबल मतलब होता है त्रुटिपूर्ण तूटी त्रुटियों से भरा हुआ अब आप इसकी स्टोरी बनाइए कि अगर कोई इंसान पैकेबल है तो मतलब वो अगर आप गए तो आपने कहा यार बंदा पैकेबल है है इससे इससे ना थोड़ा बहुत बहुत इसे इसे पैसे पैसे दे दे दो काम निकाला जा सकता ऊपर से अगर दिए इसे काम निकाला जा सकता है तो वो बंदा पैकेबल है इसीलिए तो घूस पकड़ रहा है मतलब कैरेक्टर से थोड़ा ढीला है ना वो तभी तो वो घूस पकड़ रहा है तो वो पैकेबल है आप उसे पैक कर सकते हैं और जो इनपैकेबल है यानी आप उसे घूस नहीं दे सकते इस तरह से स्टोरी बनाकर इसे याद रखिए कि आप उसे घूस नहीं दे सकते इंपेकेबल का मतलब होता है त्रुटिहीन जिसमें कोई त्रुटि नहीं है विदाउट फॉल्ट और एरर इसका मतलब होता है इसके सिनोनिम्स होते हैं परफेक्ट फ्लॉलेस स्पॉटलेस एंड प्योर इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इंपरफेक्ट करप्ट फॉल्टी एंड फ्लॉड ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे इसका एग्जांपल सेंटेंस है देयर इज नो पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन क्लेम टू हैव इंपेकेबल कैरेक्टर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बात का दावा जो त्रुटिहीन कैरेक्टर त्रुटिहीन तु, चरित्र का दावा कर सके तो इस तरह से इसे इस्तेमाल करा जा सकता है पारो स्पीच एडजेक्टिव है ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ठीक है इसका नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है योर इंपेकेबल वर्क एथिक एंड ग्रेट अटेंशन टू डिटेल आर रीजन एनफ फॉर हायरिंग यू मतलब आपका त्रुटिहीन वर्क एथिक आपका काम करने का तरीका और ग्रेट अटेंशन तो डीटेल। पर बहुत ज़्यादा तुम्हारा आर आर रीजन पर्याप्त कारण है तुम्हें करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो इमेकेबल जिसे आप पैक नहीं कर सकते अपने बस्ते में नहीं ले सकते घूस नहीं दे सकते वो त्रुटिहीन है इमेकेबल पैकेबल इम्पैकेबल याद रखिए इस शब्द को इस स्टोरी से आपको जल्द याद होगा हमारा अगला शब्द है insular insular अब गाइस insular का क्या मतलब होता है insular का जो रियल मतलब होता है ना वो होता है किसी द्वीप से रिलेटेड किसी द्वीप से रिलेटेड जैसे आपको नीचे दिख रहा है ना वैसे ही किसी द्वीप से रिलेटेड आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं मैं सेंटेंस बना सकती हूं दमन एंड दीव्स इंसुलर कल्चर दमन और दीव का वो कल्चर जो सिर्फ दमन और दीव तक, दीव तक सीमित है

निमोनिक बना सकते हैं इन स्वी इन स्वी इस तरह से आप इसका निमोनिक बना सकते हैं इतना छोटा है कि स्वी के अंदर आ सकता है इन स्वी आ सकता है तो बहुत नैरो है तो इस तरह से आप इसका निमोनिक बनाएंगे इसका सिनोनिम हो जाएगा आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड एंड लोनली ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनबायस्ड अनप्रीजुडाइज्ड कॉस्मोपॉलिटन पोलिटन एंड टॉलरेंट ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटोनिम्स हो जाएंगे इसका एग्जांपल सेंटेंस है

अब एटीट्यूड मेक देम वेरी अनइंटरेस्टेड इन व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड देयर ओन लाइफ मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट के जो बहुत ही बहुत ही अपने आप में रहने वाला एटीट्यूड है मतलब उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता उसी उसी एटीट्यूड की वजह से वो अनइंटरेस्टेड हैं कि दुनिया में बाहर क्या चल रहा है इस तरह से आप इसे इस्तेमाल करेंगे insular attitude attitude जिसे जिसमें इंसान को दूसरे से कोई मतलब नहीं है सम, समझ में आ गया कि आप से इसे कैसे करेंगे insular को और उसके अलावा इसका निमोनिक है इतना है इतना इतना छोटा है कि स्वी के अंदर आ सकता है तो वहां से आप इसे माइंडेड करके याद रख सकते हैं तो इन स्यू इस तरह से याद रखिए नेक्स्ट इज जॉर्ज अब जॉर्ज का क्या मतलब होता है टू शेक अब्रप्टली एंड रफली गिव किसी को झटका देना

उसके मतलब इस इस तरह से इसके सिना चलेंगे इसके एंटोनिम हो जाएंगे सूद अनफ्लस्टर्ड एंड ठीक है इसके एंटोनिम चलेंगे इसका एग्जांपल है ऑल हिज होप्स जॉल्टेड उनके

कि नए स्टोर्स का डाउनटाउन में नए स्टोर्स का खुलना मदद करेगा किस चीज में मदद करेगा इकोनॉमी को एक उछाल देने में मदद करेगा एक झटका देने में मदद करेगा तो जऑट झटका देना द वॉल्स कैन जऑट यू इस तरह से याद रखिए नेक्स्ट इज अ लैंगर लैंगर का क्या मतलब होता है पहले तो गाइस स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए ल ए एन जी यू ओ आर लैंगर का मतलब होता है इनएक्टिविटी आपका सुस्ती आप, आपका सुस्तीपन आपका लितार्जी लैंगर है और दूसरा होता है L -A -N -G -U -R, जिसका मतलब होता है लैंगर यानी लंगूर जो एशियाई बंदर होते हैं लंबे पूछ वाले ये 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 लंगूर इन्हें लैंगर कहते हैं तो स्पेलिंग्स को एक तो आपको स्पेलिंग ध्यान देनी है और इस इस सुस्ती वाले लंगूर से, में से

ये इस तरह के सारे शब्द इसके एंटोनिम्स चलेंगे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑन समर आफ्टरनून वी जनरली फील लैंग मतलब जो गर्मियों की uh, दिन दिन का टाइम होता है ना उसमें हम अक्सर इनएक्टिवेट uh, uh, in, मतलब uh, क्या सुस्ती सा फील करते हैं ठीक है सुस्ती सा फील करते हैं लैंगर फील करते हैं सुस्ती फील करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है इफ यू डू नॉट ड्रिंक इनफ वाटर अगर तुम पर्याप्त पानी ना पियो

इस तरह से जैसे ये ये किसी से नफरत कर रहा है यहाँ पर इमोजी नेक्स्ट इज नैक नेक का मतलब होता है अस्पेशल वे ऑफ डूइंग समथिंग या फिर क्लेवरनेस या आर्ट आपका हुनर होता है ना जो वो आपका नैक है अब आप इसे नेक को ना नेक से याद रखिए आपकी गर्दन से याद रखिए तो नेक के पास क्या नेक है आपकी मुंडी को संभालने का नेक है आपके सर को संभालने का नेक है ना तो नेक मतलब होता है हुनर ठीक है तो इस तरह से इसे याद रखिए स्पेशल वे ऑफ डूइंग समथिंग क्लेवरनेस और आज को आप नेक कहेंगे ठीक है

एग्जाम्पल होगा टेरिज्म इंटेग्रिटी ऑफ दी मतलब जो टेररिज्म है ना आतंकवाद है, संभा, है अखंडता के लिए तो मैनस है खतरा है इस तरह से नेक्स्ट इज माई नीबर्स डॉग इज एंजॉय गोइंग का कुत्ता है मेरे पड़ोसी का कुत्ता है वो मेरे लिए परेशानी की वजह है क्योंकि वो पसंद करता है क्या पसंद करता है मेरे पौच में यानी बरामदे बरामदे में पौची करना पसंद करता है तो इस तरह से ठीक है तो वो मैनस है तो मैनस कोई भी डेंजर परेशानी खतरा वो मैनस है इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट इज इनोकुस गाइस इन का मतलब क्या होता है इनोकुअस पहले तो ये वर्ड कैसे बना है वर्ड है नोकुअस

मतलब बहुत सारी फंगस की स्पीसीज ऐसी होती है जो हानिकारक होती है हानिकारक नहीं होती और आप उन्हें खा सकते हैं होती है ना कई सारी स्पीसीज तो इस तरह से इनोक्वस को इस्तेमाल करते हैं इसके हैं नेव ठीक है

हानिकारक है इस तरह से नेक्स्ट इज बिकॉज़ द वायरस वाज इनोकस मतलब क्योंकि वो वायरस हानि हानि रहित था मतलब हार्मलेस था वो वायरस द हॉस्पिटल स्टाफ हैड नो नीड टू वरी अबाउट द लीक तो हॉस्पिटल स्टाफ को कोई जरूरत नहीं थी उस उस वायरस के लीक के मामले में चिंतित होने की तो वायरस वाज इनोकस वायरस हार्मलेस था तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे हार्मलेस को इस्तेमाल करेंगे ठीक है नेक्स्ट इज इमैक्यूलेट इमैक्यूलेट का मतलब होता है कंप्लीटली नीट एंड क्लीन विदाउट एनी ब्लेमिश और इम्परफेक्शन मतलब बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे को इमैक्यूलेट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इमैक्युलेट गाउन ऐसा गाउन जो बिल्कुल साफ सुथरा है इमैक्युलेट एक्यूरेट को एक्यूलेट से याद कनेक्ट करिए एक्यूरेट एक्यूलेट एक्यूरेट एक्यूरेट immaculate बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा ठीक है immaculate wedding gown इस तरह से याद रखिए completely neat and clean without any blemish और imperfection जो बहुत ही त्रुटिहीन है या बहुत ही साफ सुथरा है उसे immaculate कहते हैं इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे clean undefiled perfect impeccable अब याद आ गया इंपैकेबल कुछ पढ़ा था जिसे पैक नहीं किया जा सकता पढ़ा था ना अभी इंपैकेबल त्रुटिहीन तो इसका सिनोनिम हो जाता है

अक्सम को ना रिक्शे में पढ़िए अक्सम को रिक्शे में पढ़िए और जब रिक्शे की ज्यादा लंबी सवारी कैसी होती है अनोईंग होती है इरिटेटिंग होती है तो अक्सम रिक्शे में याद रखिए इस तरह से याद जैसे इस इस लड़की के इस बंदी के कान से धुआं निकल रहा है इतनी इरिटेट हो रही है तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं ठीक है तो ऐसे ही इरिटेटिंग अनोइंग इस तरह से ये काम आता है और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इरिटेटिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इन सबका मतलब भी यही होता है

कह सकते हैं ठीक है तो आप सर इरिटेटिंग अनो की याद रखेंगे Guys, आप, का क्या मतलब होता है परवियस को आप इस तरह से इमेजिन करिए जिसके आप पार नहीं जा सकते वो इन है जिसके पार जाना इम्पॉसिबल है वो इम है जिसके पार जाना इम्पॉसिबल है वो इम है, है, है इस तरह से इसे याद रखिए impervious का मतलब होता है नॉट अलोइंग समथिंग टू एंटर और पास थ्रू जब कोई चीज आपको अलो नहीं कर रही किसके इसके इसके उधर तरफ चले जाओ अभेद्य अगम अभेद्य और अगम्य हिंदी में कहते हैं अभेद्य अगम्य जिसके आप पार नहीं जा सकते Actually, इसका मतलब ये भी होता है कि जिसके आप पार नहीं जा सकते और ये भी भी हो है है, है, है? है, 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 जो stubborn है, inconce, है, जिसे आप आप नहीं कर सकते ना, उसे भी आप impervious कहेंगे, ठीक है, जिद्दी है, अपनी बात पे अड़ा वो भी इम्परवियस है तो जिसके आप पार, नहीं जा सकते, वो impervious है। पार जाना इम्पॉसिबल है वो इम्परवियस है इस तरह से आप इसे याद रखेंगे इसके

वो हमेशा इम्परवियस है उनकी एडवाइस के लिए मतलब उनकी एडवाइस के लिए ना हमेशा ढीर सा बना रहता है उसे कोई फर्क ही नहीं एडवाइस कर रहे Incon uh, है, है। अपनी ही बात रहता है। माँ बापा की बात नहीं सुनता तो इम्परवियस टू देयर एडवाइस इस तरह से आप इसे याद रखेंगे ठीक है इसका नेक्स्ट सेंटेंस है जो टूटा हुआ खिड़की है ना वो इम्परवियस नहीं है रेन के लिए यानी बारिश अंदर घुस के आ सकती है वो इम्परवियस uh, नहीं है तो इस तरह से इस सेंस में भी और इस सेंस में भी इम्परवियस चलेगा तो जिसके पार जाना इम्पॉसिबल है वो इम्परवियस है तो इस तरह से आप इसे याद रखिए जैसे आपको यहाँ पर भी दिख रहा है ना नेक्स्ट इज इन जेनुअस गाइज का मतलब होता है इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग मतलब बहुत ही निष्कपट है जो बहुत ही शुद्ध है सच्चा है, है निष्कपट है, उसे कहते है, आ, इसकी हैं, फ्रैंक, अब यहाँ पर ये वर्ड है इसकी स्पेलिंग थोड़ा ट्रिकी है इसका मतलब भी ही होता है पर इसकी स्पेलिंग्स पर ध्यान दीजिए थोड़ा ट्रिकी स्पेलिंग है इसकी ठीक है इसका एंटोनिम हो जाएंगे कनिंग आर्टफुल एंडफुल एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा चिल्ड्रन आर इन जेनुअस बाय नेचर जो बच्चे होते हैं ना बहुत ही निष्कपट होते हैं उनके स्वभाव से तो इस तरह से इन जेनुअर्स को आप याद रखेंगे शीलाज नेचर मेड हर एन टारगेट फॉर द मतलब शीला की जो निष्कपट स्वभाव था ना बहुत सीधा साधा स्वभाव था उसने एक इजी टारगेट बना दिया उस धूर्त व्यक्ति के लिए शीला को तो इस तरह से आप इसे इस्तेमाल करेंगे इन बहुत ही निष्कपट बहुत ही प्योर इस तरह से इसे इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट इज इनॉर्डिनेट इनऑर्डिनेट का मतलब होता है बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट्स एक्सेसिव बहुत ज्यादा है जो फॉर एग्जाम्पल इनऑर्डिनेट वर्क बहुत ज्यादा काम

तो इसके एंटोनिम इसके एंटोनिम्स में चलते हैं ऐसे वर्ड इसका एग्जाम्पल होगा आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर हिज इनऑर्डिनेट डिले इन रिप्लाइंग टू माई लेटर मतलब मुझे इनऑर्डिनेट डिले हद से ज्यादा डिले मतलब मुझे समझ नहीं आता कारण उसके हद से ज्यादा डिले का मेरे लेटर्स के रिप्लाई करने में मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों इतनी ज्यादा देर करती है मेरे लेटर का रिप्लाई करने में तो इस तरह से ये चलता है इनऑर्डिनेट डिले बहुत ज्यादा डिले बहुत अत्यधिक डिले ठीक है इस तरह से से मतलब कि क्योंकि एक salesman है तो वो अपना हद ज़्यादा बहुत बहुत बड़ा inordinate portion, बहुत बड़ा हिस्सा हिस्सा दिन का mobile phone में बिताता है तो इस तरह से इनऑर्डिनेट बहुत ही ज्यादा इनऑर्डिनेट पोर्शन ऑफ टाइम इनऑर्डिनेट डिले इनऑर्डिनेट वर्क इस तरह से चलता है इनऑर्डिनेट बहुत ज्यादा एक्सेसिव नेक्स्ट इज जैपी जयपदी का मतलब होता है डेंजर ऑफ लॉस हार्म और फेलियर जब आपको खतरा है कि आप कहीं कहीं आपको लॉस ना हो जाए हार्म का खतरा है आपको फेलियर का खतरा है आपको तो उसे जयपदी कहते हैं जैसे कि ये ग्राफ में क्या दिख रहा है अब सपोज करिए कि ये ग्राफ किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को शो कर रहा है तो आप कह सकते हैं द ग्राफ इज शोइंग दैट द कंपनी इज इन कंपनी खतरे में है

हार्म और फेलियर इस तरह से ये चलता है

है ये सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं किसी की झूठी निंदा कर रहे हैं ठीक है इस तरह से आप याद रखिए मल अलाइन से याद रखिए इसे ठीक है पारस्पीच वर्ब है ये एडजेक्टिव भी होता है और एज एन एडजेक्टिव मलाइन का मतलब होता है दुष्ट ठीक है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे slander and disparage जिनका मतलब भी होता है किसी की निंदा करना उपेक्षा करना किसी का मान घटाना जानबूझकर मान घटाना किसी का इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे और एंटोनिम्स हो जाएंगे benevolent काइंड the एंड and celebrated benevolent कुछ याद आया अगर आपने रूट वर्ड का सेशन देखा है तो मैंने wall को बताया था will

सिंपली क्योंकि हम उनसे जलते हैं इस तरह से इस्तेमाल करेंगे malign आप mal aligned him aligned him mal से इस तरह से याद रखिए डू नॉट malign मी सिंपली बिकॉज़ यू आर जेलेस ऑफ माय वेल्थ मुझे इस तरह मेरी निंदा मत करो वो भी वो भी इसलिए क्योंकि तुम मेरी वेल्थ से जलते हो तो malign का मतलब होता है किसी की निंदा करना आप aligned him mal से बुरी चीजों से आप aligned इस तरह से से याद रखिए कि किसी की निंदा करना झूठी निंदा करना गाइस आज के लिए बस इतने ही वर्ड हैं और अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब करिए और बाकी सेशंस भी देखिए बस आज के लिए इतना ही टाटा बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू